हे गाइज, कैसे हो आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ वालों के लिए, जी हाँ गाइज, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी का जो आप लोग का पेपर होता है उसका पूरा का पूरा पैटर्न। जी हाँ गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग का हिंदी का पेपर कैसे आता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आता है। और गाइज, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें निश्चित होती हैं जो हर साल आती हैं, तो वो भी सारी चीज़ों को हम देखेंगे जो हर साल आती हैं। मैं उनको बता दूंगा, आप एकदम उसे याद कर लीजिएगा, वो निश्चित होती है, हर साल आती है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले गाइज कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइज, इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसका पूरा का पूरा, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, इसका पूरा का पूरा आपको PDF कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम हिंदी कक्षा 10, ठीक है, ये EP बोर्ड वालों के लिए। और यहाँ नीचे आप देखिए, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 70 अंकों की, चलिए इस चीज़ को थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए कि इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। पूर्णांक यहाँ पे 100 मार्क दिया हुआ है। तो देखिए, ये तो आप सब लोग जानते हो कि आप लोग को 30 मार्क आप लोग को स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल होता है हिंदी में, और 70 मार्क का जो लिखित एग्जाम होता है, ठीक है, यानी दोनों मिलाकर एक तरह से बोले तो 100 मार्क का आप लोग का हिंदी का पेपर होता है। तो ये तो आप सब लोग जानते हो, लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आती है, इस वीडियो में हम उन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आप लोग का फर्स्ट प्रश्न होता है, आप स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप लोग का फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न के अंतर्गत ये क जो प्रश्न है, क प्रश्न है, इसके अंतर्गत देखिए हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, ठीक है, हिंदी गद्य के विकास हेतु संक्षिप्त परिचय, यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और खासकर शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो पहला क्वेश्चन है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये पहला क्वेश्चन आखिरकार बोल क्या रहा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड 5 मार्क का, यहाँ देख सकते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी में गाइज ख प्रश्न होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसी का पहले प्रश्न का ख होता है कि हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी हिंदी, वो ऊपर हम लोगों ने क में गद्य देखा था, और इसमें आप लोग का पद्य से रिलेटेड, पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आता है, और खासकर इसमें बोले तो रीति तथा आधुनिक काल से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। देखिए, जो रीति काल है इससे रिलेटेड, लाइक रीति काल की विशेषता हो गई, रीति काल के कवियों के नाम, लेखकों के नाम, आप एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेकेंड प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड प्रश्न, ठीक है, फर्स्ट का क और ख, यानी वही ख, यानी फर्स्ट का सेकेंड क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार शुरू में, और ये भी देखिए 5 मार्क का होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और ये सारे के सारे लगभग बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न होते हैं, यानी शुरू में आप लोग का 10 मार्क का बहुविकल्पीय पूछेगा, किससे, गद्य से और पद्य से दोनों के, ठीक है, गद्य से और पद्य से दोनों से 5-5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। शुरू में 10 मार्क का पहला प्रश्न ये रहेगा, ठीक है। अगर सेकेंड प्रश्न की बात करें, दूसरे प्रश्न की बात करें, तो देखिए गद्य हेतु निर्धारित, ठीक है, पाठ्य वस्तु से, ठीक है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से क्या पूछता है, ठीक है, यानी आपका एक गद्य रहेगा, उसमें क्या करेगा दूसरा प्रश्न में, ठीक है, कि एक पैसेज दे देगा, पैसेज मतलब इस तरह पैराग्राफ दे देगा, ठीक है, उस पैराग्राफ को पढ़ना होगा, और पढ़कर उससे रिलेटेड देखिए 3 प्रश्न पूछा रहेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछा रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट प्रश्न है आप यहाँ देख सकते हैं, संदर्भ लिखना होता है, और उसमें कुछ रेखांकित अंश इस तरह नीचे किया होगा, उसकी आपको क्या करना होता है कि व्याख्या करना होता है रेखांकित अंश की, और एक आपका उसी जो पैसेज होता है, ठीक है, यानी जो गद्यांश होता है उसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा रहता है, यहाँ पे लिखा है तथ्यपरक प्रश्न, ठीक है, तो एक तथ्यपरक प्रश्न होता है, उसका आंसर इसी, मतलब इसी लाइन में छिपा होता है, इसको पढ़ेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछता है 3, और तीनों लगभग आपका 2-2 मार्क का होता है, यानी यहाँ से आप लोग का 6 मार्क का ये प्रश्न होता है आपका गद्य से, ये आपका आता है क्या, पैसेज, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, अगर हिंदी में बोले तो गद्यांश, ठीक है। सेम उसी तरह पद्य में भी, जी हाँ, इन सारी चीज़ों को थोड़ा मैं इरेज कर लूँ कि सारी चीज़ें साफ हो जाए, ठीक है, ओके, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, ये तो आप समझ गए कि एक आपका
पद्य से आता है एक पद्यांश और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा रहता है, ठीक है, और उसका आंसर आपको देना होता है, जिसका आपको 6 मिलता है। यहाँ पे हमने देखा कि उसका कितना मार्क मिलता है, 6 और ये तीनों के तीनों प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार सेम टू सेम इसी तरह आपका ये गद्य से और ये पद्य से, ठीक है, ये पद्य यानी वही काव्य से सेम उसी तरह क्या रहेगा कि आपके पद्य से रिलेट किसी भी लेसन से किस तरह मतलब कुछ पैसेज इस तरह लिखा हुआ यानी कुछ पद्यांश इस तरह लिखा हुआ दे देगा और इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछेगा। वो 3 प्रश्न क्या रहेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट रहेगा संदर्भ, मतलब ये पूछेगा कि इसका संदर्भ लिखिए। संदर्भ मतलब इसके लिए आपको जानना होगा, इस मतलब इसको पहचानना होगा, जो लाइन दी रहेंगे उसको पहचानना होगा कि यह किस लेसन से है, ठीक है, और उसके कवि का नाम आपको जानना होगा, तभी आप संदर्भ लिख पाएंगे। ऐसा कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस लेसन से लिया गया है जिसके रचयिता ये है, ठीक है, आप जानेंगे तो आसानी से संदर्भ लिख लेंगे। और फिर व्याख्या आपको करना होगा। इसमें क्या होता है कि पूरी चीज का पूरी की पूरी जो होती है उसका आपको व्याख्या करना होता है, मतलब एक तरह से उसका हिंदी अर्थ इसमें लिखना होता है, मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप पद्य में पढ़े होंगे उसका हिंदी अर्थ ही महत्वपूर्ण होता है। और इसका काव्य सौंदर्य से रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है, ठीक है, मतलब पूछ सकता है कि इस लाइन में कौन सा अलंकार है या कौन सा रस है, मतलब अलग अलग कोई भी प्रश्न काव्य सौंदर्य से रिलेटेड पूछ सकता है। यानी इस प्रकार आप लोग का संदर्भ का 1 और देखिए इसमें व्याख्या करना थोड़ा भारी होता है इसलिए उसका 4 कर दिया है, ठीक है, और आप लोग का 1 काव्य सौंदर्य के यहाँ से भी 6 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये जो तीसरा प्रश्न है ये भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब तीसरे प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, अगला जो हम लोग का प्रश्न है 6 उस पर, सॉरी तीसरे के बाद 4 प्रश्न पे चलते हैं। 4 प्रश्न क्या है, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। 4 प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद, ठीक है। देखिए आप हिंदी के पीछे, हिंदी की जो बुक है उसके पीछे देखेंगे तो आपके संस्कृत के भी कुछ लेसन है, ठीक है, उसको हम हिंदी की संस्कृत या संस्कृत परिचायिका बोलते हैं, ठीक है, उसके कि तो गद्य भाग में, उसमें भी गद्य और पद्य भाग है, तो उसमें से कि तो गद्य में से कि तो पद्य में से 2 दिया रहेगा, 1 गद्य का दिया रहेगा और 1 हो सकता है पद्य का स्तर दिया रहेगा। कि तो गद्य वाला कीजिए कि तो पद्य वाला, यहाँ पर लिखा है ना संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद, मतलब गद्य से कुछ लाइन दिया रहेगा या पद्य से दिया रहेगा, ठीक है, शायद दोनों से दिया रहता है, आपका मन गद्य से लिख रहा है गद्य का लिखिए, पद्य का लिखना है पद्य का लिखिए, ठीक है। क्या लिखना होता है, फर्स्ट लिखना होता है उसका संदर्भ, ठीक है, उसका संदर्भ लिखना होता है और सेकेंड लिखना होता है उसका क्या, यहाँ पे दिखा है ना हिंदी अनुवाद, हिंदी में अनुवाद करना होता है। और उसका आपका देखिए, एक तो संदर्भ आप लिखेंगे तो 1 और हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3, यानी उसका आपको 4 यहाँ से मिल जाता है। तो आई होप जो यह प्रश्न है यह भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यह प्रश्न आखिरकार बोल क्या रहा है। एक बार इस प्रश्न को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये प्रश्न है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, और इसका मार्क आपको 4 मिलता है, ठीक है, 4 इसका आपको मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है कि निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। ओके, देखिए यहाँ पे मैं सीधे सीधे बता दूँ, 5वां प्रश्न जो होता है, ठीक है, वह 2 प्रश्नों के अंतर्गत क और ख के अंतर्गत बटा होता है, ठीक है, जिसमें क प्रश्न में क्या करेगा कि आपके गद्य से जो आपका गद्य भाग है गद्य से किन्हीं 3 लेखक का नाम दे देगा, ठीक है, किसी 3 लेखक का यहाँ पे मान लीजिए नाम दे दिया, तीनों में से किसी एक का आपको क्या लिखना होगा, जीवन परिचय लिखना होगा, यहाँ पे लिखा है जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी मतलब रचना का कम से कम 1-2 रचना का नाम लिखना होता है, ठीक है। और सेम उसी तरह इसका 5वें का ख प्रश्न होता है, ठीक है, आपका क्या कि आपका ये पद्य से होता है, पद्य से आपका पद्य में चूंकि आपके लेखक नहीं बल्कि कवि होते हैं, ठीक है, तो अब कवि का जीवन परिचय लिखना होता है, तो यहाँ पे किसी भी कवि का 3 नाम दे देगा और तीनों में से किसी एक का आपको लिखना होगा छाटकर जो आपको आ रहा है, ठीक है, और साथ साथ उनकी एक रचना का भी नाम आपको लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3-3 यानी 6 आपको यहाँ से गद्य और पद्य दोनों मिलाकर मिल जाता है लेखक के जीवन परिचय, ठीक है, का। आई होप आप लोगों को 5वां प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको भी इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे के प्रश्न पे, ठीक है। 5वें के बाद चलिए हम लोग 6वें प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं 6वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 6वां प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ 6 में ये फर्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ 1। ओके, संस्कृत मैंने बताया कि आपकी हिंदी की जो बुक है उसके पीछे आपका एक संस्कृत का भी पाठ है, ठीक है, संस्कृत भी है, उसी संस्कृत में से आपको क्या
करना रहेगा कि एक श्लोक लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि संस्कृत के निर्धारित पाठों में से कंठस्थ एक श्लोक, आपको क्या करना होता है, एक श्लोक लिखना होता है। और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा नहीं कि ऊपर कहीं वो आया हो, जैसे ये गद्यांश या मतलब पद्यांश में, यहाँ मतलब सॉरी यहाँ पद्यांश में आपका आ गया यहाँ पे संदर्भ और हिंदी अनुवाद करने का, तो उसी को आप यहाँ छाप दें, ऐसा नहीं है। आपको कुछ अलग लिखना होता है, इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप लगभग 3-4 आप श्लोक याद कर लीजिएगा, ऐसे तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो 6वां प्रश्न ये होता है इसका फर्स्ट प्रश्न। अगर सेकेंड प्रश्न की बात करें तो यहाँ आप सेकेंड प्रश्न आप देख सकते हैं कि संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर। ओके, आपके संस्कृत में आप देखे होंगे पीछे लगभग 3-4 आपके पाठ होते हैं, मतलब कई थे हैं, लेकिन इस बार COVID-19 कारण हटा दिए गए हैं, तो लगभग 3-4 लेसन है कि 5 लेसन है मुझे याद नहीं है, उसी में से मतलब उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, लगभग 3-4 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से मतलब आपको छांट कर कि नहीं, लगभग 4 दिया रहता है, 4 प्रश्न दिया रहता है, 4 में से किसी 2 का आपको उत्तर देना रहता है, ये बोल रहा है, ठीक है। 4 में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि संस्कृत के निर्धारित पाठों में से पाठों पर आधारित 2 अति लघुतरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, ठीक है। और दोनों का एक एक मार्क यानी 2 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। आई होप आप लोग को 6वां प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए चलिए अब हम 6वें प्रश्न के बाद हम 7वें प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा इस चीज़ को मैं ऊपर कर लेता हूँ। 7वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ का, 7वां प्रश्न क्या है कि काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व सब रिलेटेड प्रश्न होगा 7वां, ठीक है। और देखिए 7वें प्रश्न में देखिए इसका क प्रश्न क्या होगा कि रस से रिलेटेड होगा, रस होगा, ठीक है। ये देखिए यही निश्चित होता है, ये जो तीनों होता है गाइस ये निश्चित होता है। मैं इसी को पीछे मतलब इसकी मतलब शुरू शुरू में बताया था कि कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं जो हर साल आती हैं, तो देखिए ये चीज़ें निश्चित होती हैं। जैसे रस में देखिए रस बहुत बहुत रस है, आप 11-12 रस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उन रस में से निश्चित होता है आप कि तो हास्य रस कि तो करुण रस, इन्हीं दोनों में से एक आपको लिखना रहेगा, क्या उसकी परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है, परिभाषा उदाहरण सहित, ठीक है। और प्लस यहाँ पे पहचान भी दिया है, पहचान तो ऐसे नहीं बोलता है लेकिन आप पहचान भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हास्य रस और करुण रस आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये निश्चित होता है आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हास्य रस करुण रस और इसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2 मार्क यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्लियर है। सेम उसी प्रकार अलंकार होता है, जी हाँ गाइस अलंकार, और अलंकार में देखिए उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा यानी अर्थालंकार के जो प्रकार हैं केवल उन्हीं के प्रकारों को मतलब आप याद करिएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों में से जो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा इन्हीं तीनों में से मतलब कोई 2 अथवा कर आता है, मतलब इस तरह है उपमा अथवा रूपक अलंकार की उदाहरण सहित मतलब परिभाषा लिखिए, परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, इस तरह कर देगा किस कवि इस इन दोनों को ले लेगा या इन दोनों को अथवा में, तो मतलब आप इन तीनों का या तीनों में से कोई 2 भी आप याद कर लेते हैं तो फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, और इसका भी आपको यहाँ पे देखिए 2 मार्क मिलता है, प्लस कर 2 मार्क दिया हुआ है। और सेम उसी तरह इसका ग प्रश्न होता है, आप नीचे ये देख सकते हैं ग प्रश्न होता है छंद से रिलेटेड, सोठा अथवा रोला से होता है, ये निश्चित होता है, ठीक है। सोठा और रोला का आपका लक्षण लिखना होता है उदाहरण सहित, पहचान यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन पहचान नहीं लिखना होता है, ठीक है। पहचान इन तीनों प्रश्नों में किसी भी प्रश्न में नहीं लिखना होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप छंद में देखिए सोठा हो गया रोला हो गया, ठीक है, इन दोनों को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इसको भी क्लियर कर लेंगे तो आप 2 मार्क यानी इन 3 प्रश्नों के अंतर्गत, ये 7वां जो प्रश्न है इसका क ख ग इन 3 प्रश्नों के अंतर्गत आपको 6 मार्क एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, क्लियर। तो चलिए अब ये 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार होता है, 7वें के बाद हम आगे के प्रश्नों पर चलते हैं, आगे के प्रश्न को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए ये 7वां प्रश्न क्लियर हो गया, अब चलिए इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा ऊपर कर लिया, ओके। 7वें प्रश्न के बाद देखिए 8वां प्रश्न आपका क्या है, 8वां प्रश्न यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 8वें प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है यह 8वां प्रश्न, ठीक है। देखिए 8वां प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, ठीक है, हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, इससे रिलेटेड आप लोग के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे, और इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे क ख ग घ अंग इस तरह कई ठे प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है।
देखिए जो पहला प्रश्न होता है वो आपका उपसर्ग से होता है, ठीक है। उपसर्ग 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 मतलब आप समझते होंगे जो किसी मतलब शब्द के पहले लगा होता है। जैसे देखिए यहाँ अ है तो अ से आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। जैसे अ है तो अभिमान, अभिमान एक शब्द बना दिए, ठीक है। इसी तरह देगा अ आगे कुछ भी दे देगा उससे रिलेटेड शब्द बनाने को बोलेगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखिए अन है तो अन से कोई भी आप शब्द बना सकते हैं। अन अन चलिए यहाँ याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप अन से कोई भी एक शब्द बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए अप है, ठीक है, तो अप से मान लीजिए आप अपमान एक शब्द बना देते। इसी तरह मतलब आपको दिया रहेगा इस तरह उपसर्ग, उससे दो तीन थे शब्द बनाने को बोलेगा तो आप आसानी से बना देंगे। उसी तरह सेम प्रत्यय से भी रिलेटेड होगा। प्रत्यय मतलब जो अंत में लगता है, ये देखिए ये पहले लग रहा है और जैसे या अप ये देखिए किसी शब्द के पहले लग रहा है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर देखिए पन है, ठीक है, ये पन है तो देखिए एक बचपन, देखिए पन लास्ट में आ रहा है तो कुछ इस प्रकार को आपको शब्द बनाना होगा इसमें प्रत्यय में, क्लियर है। उसी प्रकार देखिए समाज से रिलेटेड, चलिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का समाज से रिलेटेड प्रश्न होता है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए समाज से रिलेटेड ये आपका प्रश्न होता है समाज से, और समाज में देखिए द्विगु द्वंद्व द्विगु कर्मधारय और बहुव्रीहि समाज से रिलेटेड आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो आप समाज देख रहे हैं स्क्रीन पे इनको पढ़ लीजिएगा, समाज उतना भारी नहीं होता है, ठीक है। तो द्वंद्व द्विगु कर्मधारय और बहुव्रीहि आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए तत्सम शब्द और परिवाची शब्द से रिलेटेड भी प्रश्न होंगे। तो तत्सम तद्भव आप पांचवी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, और परिवाची शब्द भी जो होता है मतलब काफ़ी नॉर्मल आता है, आप आसानी से कर लोगे। जो आप सातवीं आठवीं कक्षा में पढ़े होंगे ना, वही सेम टू सेम परिवाची शब्द इसमें भी पूछ देता है, ठीक है। और इस प्रकार ये आठवां प्रश्न आप लोग का समाप्त हो जाता है, और आठवें प्रश्न के अंतर्गत ये जो आपके पांच प्रश्न है क ख ग घ अंग, इससे देखिए यहाँ पे रिलेटेड लगभग कुछ इस प्रकार से 11 नंबर का प्रश्न पूछता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये 11 नंबर का यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा जो आठवां प्रश्न मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। चलिए आठवें के बाद हम आगे के प्रश्न पे चलते हैं। आगे के प्रश्न पे नौवां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, गाइज क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 है कि संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद से रिलेटेड, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और मतलब एक तरह से ग्रामेटिकली क्वेश्चन यहाँ बोले मतलब हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बोले तो ये होता है, जिसमें ये फर्स्ट प्रश्न होता है आप लोग देख सकते हैं संधि से रिलेटेड, संधि से रिलेटेड, और इसमें कौन कौन सी संधि से रिलेटेड होता है आप यहाँ देख सकते हैं, यण संधि वृद्धि संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, खासकर इसी परिभाषा उदाहरण और पहचान लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है परिभाषा और विभाषा कुछ नहीं आता है, केवल आपको मतलब एक शब्द कुछ दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, या फिर आपको कोई शब्द दे देगा और उसकी संधि बनाने को कहेगा, ठीक है। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप यण संधि वृद्धि संधि, देखिए संधि तो मैं कहूँगा सारी संधि आप अच्छे से, खासकर स्वर संधि, स्वर संधि के जितने भी भेद हैं सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, फिर ये आपका प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा और ये आगे चलकर भी काफ़ी काम आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क इसका प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ख प्रश्न देखते हैं, देखिए शब्द रूप से रिलेटेड आता है, सभी विभक्तियों एवं वचनों में आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और खासकर संज्ञा और सर्वनाम से आता है। देखिए यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम से, अगर संज्ञा में हम बात करें, ठीक है, तो देखिए संज्ञा में अगर बात किया जाए तो फल मति मधु नदी की विभक्ति रूप आएगा, ठीक है, और अगर हम सर्वनाम में बात करें तो तद और इस्मद का आपका आएगा, क्लियर है। यह ख प्रश्न कुछ इस प्रकार होता है, और अगर हम ग प्रश्न की बात करें तो देखिए इसमें आपका धातु रूप आता है, ठीक है, और धातु रूप में देखिए लट लोट लिट विधिलिंग और लड लकार में कोई भी आ सकता है, ठीक है, और इसमें से कोई भी पूछ सकता है, और उसमें से किस किसका किसका पूछ सकता है तो पट का पूछ सकता है, हर्ष का, दृश्य का और पच का, इन चारों में से इन रूपों में इन रूपों में कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, इनका, क्लियर है आपको। उसके बाद इस घ इसका प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, हिंदी के सरल वाक्यों का अनुवाद होता है, मतलब कुछ वाक्य दे देगा, ठीक है, उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना होता है, काफ़ी आसान होता है, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ आप देखिए आठवें प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है, सॉरी नौवें प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों का लगभग 8 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और थोड़ा इस चीज़ में थोड़ा लड़कों को दिक्कत होती ही है, यहाँ विभक्ति विभक्ति में थोड़ी लड़कों को दिक्कत होती है, लेकिन देखिएगा आप मैनेज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ये भी चीज़ है, मतलब आप लोगों की लगभग क्लियर हो जाएगी। आप जो पढ़ते हैं वही खासकर अधिकांशतः फंस जाता है, और यहाँ अगर आपका 2-3 मार्क अगर
मतलब गड़बड़ भी हो जाए, छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं दसवें प्रश्न पे। दसवां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं गाइज, नीचे है दसवां प्रश्न। देखिए दसवां प्रश्न जो होता है आप लोग का निबंध से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो दसवां आपका प्रश्न होता है वो निबंध से रिलेटेड होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे निबंध रचना लिखा हुआ है, मतलब वही निबंध लिखने को आता है, ऐसे लिखने को आता है। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिया हुआ, जैसे वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं ट्रैफिक रूल पर आधारित विषय में से किसी पे भी आ सकता है। इसके अलावा ये जो दिया हुआ है, इसके अलावा और भी मतलब काफ़ी सारी कैटेगरियाँ हैं जिन पे निबंध आ सकता है। खासकर गाइज जो कोरोना वायरस है, जी हाँ गाइज, इस बार जो कोरोना वायरस है, ठीक है, इस पे रिलेटेड हो सकता है आपका निबंध आ जाए। तो इस पे आप एक निबंध पहले से ही मतलब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इस पे हो सकता है कि आ जाए। लगभग 80% चांसेस है कि कोरोना वायरस पे निबंध आएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप ये दसवां प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये 6 मार्क में, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे 6 मार्क में होता है, ठीक है, निबंध रचना। और देखिए काफ़ी लोग सोचते हैं कि निबंध आ गया तो हम काफ़ी मतलब कई पेज में 4-5-6 पेज भरे, ऐसा नहीं होता है। आप मतलब मैक्सिमम अगर गाइज आप 3 पेज भी लिख दिए, अगर 3 पेज लिख दिए तो फिर आपका निबंध का काम हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, 3 पेज में लिखिए, लेकिन काफ़ी अच्छे ढंग से लिखिए, अच्छे अच्छे उसमें वर्ड शामिल कीजिए। ऐसा नहीं कि 3 पेज आप केवल 3 ही पेज लिखिए और इधर उधर आलतू फालतू कीजिए, भुलवाने का काम कीजिए, नहीं, एकदम मेन टॉपिक लिखिए। आप 2 ही पेज में लिखिए, 3 ही पेज में लिखिए, लेकिन एकदम मेन टॉपिक लिखिए, ठीक है, एकदम अच्छे से, जिससे आपका जो मतलब जांचने वाला कॉपी हो, ठीक है, जो टीचर जांचता हो वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। और इम्प्रेस हो जाएगा तो आप समझते हैं आपको अच्छा मार्क मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न 11 नंबर होता है, आप लोग देख सकते हैं, खंड काव्य से रिलेटेड। देखिए आप लिखा है कि संक्षिप्त कथा वस्तु घटनाएं चरित्र चित्रण, ठीक है, यानी देखिए इसमें पूछता है संक्षिप्त, मतलब जैसे चरित्र चित्रण, खासकर चरित्र चित्रण ही पूछता है, ठीक है। मतलब कई ठे प्रश्न पूछता है उसमें कि इसका कथा वस्तु लिखिए या संक्षिप्त में चरित्र चित्रण कीजिए, मतलब खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न होता है। देखिए आप कोई भी, और देखिए ये 3 मार्क का प्रश्न होता है, यहाँ पे मेंशन भी इस चीज़ को कर दिया गया है। तो देखिए आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लिए होंगे उसमें खंड काव्य होगा, ठीक है, तो उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, खंड काव्य आपके। और देखिए जिला वाइज ये निर्धारित होता है, आप कोई भी बुक लिए होंगे, सॉरी बुक बोल रहा हूँ, मतलब क्या होता है क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बैंक में ऊपर लिखा होगा इस तरह कि मतलब आजमगढ़, मऊ, झांसी, वाराणसी, इलाहाबाद, इन इस ज़िले के लिए निर्धारित, ठीक है, मतलब ऊपर जिला लिख दिया रहेगा, तो जिसमें आपका जिला लिखा हो, ठीक है, उसके नीचे वाला ही आप खंड काव्य याद कीजिएगा, वही खंड काव्य आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछेगा। क्लियर है ये चीज़, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा जब मैं PDF की बात कर रहा है, तो देखिए इस इन सारी चीज़ों का, इन्हीं ये जो PDF है इसका ही PDF नहीं, बहुत सारी चीज़ों का PDF और स्टडी मटेरियल आपको हमारी एप्लीकेशन है नीलेश क्लासेज, जी हाँ गाइज, हमारी एप्लीकेशन है नीलेश क्लासेज। आप इसे गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पे ये नीलेश क्लासेज सर्च करिएगा, हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी और आप यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक कर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि देखिए इसमें आपको काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल, ये तो जो अभी आप ये देखे हैं इसका तो PDF मिल ही जाएगा, उसके अलावा वहाँ और भी काफ़ी सारे PDF और स्टडी मटेरियल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से अवेलेबल है, रिलेटेड अवेलेबल हैं। वहाँ पे आप लोगों का कई सालों का प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो बस रहने तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस, थैंक यू।